हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा .com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो चलिए आज हम बनाते हैं जीरा बटर के दही बड़े, इंस्टेंट फटाफट बनने वाले। तो देखते हैं इसकी सामग्री। ये दही एक बड़ा बाउल भर के, ये लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, ये हरी मिर्च का पाउडर है, नमक है, बारीक सेव है, मीठी चटनी है, ये बटर है और ये पानी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे बटर है इसे हमने भिगो देना है इस तरह से। देखिए पानी में डाल देना है, पानी इसमें डाल के हम इसे एक दो मिनट के लिए भिगो देंगे पानी के अंदर। जब तक ये भीग रहे हैं तब तक हम हमारा दही फेंट लेते हैं। याद रखिए दही एक ज़रा मीठा ही हो, नहीं तो फिर आप इसमें थोड़ा हल्का सा चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि दही बड़े का दही थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। और इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लीजिए जब तक इसकी गुठलियाँ निकल जाए, एक जान हो जाए ये पूरा। देखिए इस तरह से इसे एकदम अच्छी तरह फेंट लेना है, इसकी पूरी गुठलियाँ निकल जाए। देखिए हमारा दही फर्स्ट क्लास फेंट के हो गया है और साथ ही साथ हमारे बटर भी सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं। इसे हल्का सा आप प्रेस करिए और इस तरह से दही में डाल दीजिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा, बहुत बढ़िया नरम होगा ये। इन्हें इस तरह हल्का सा प्रेस करना है और देखिए इस तरह दही में डाल देना है, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके। इस सारे के सारे हमने बटर जो हमारे दही बल्ले इसमें डाल दिए हैं। देखिए अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, इसे थोड़ा सा डाल देना है चुटकी भर। इसी के साथ हमने काली मिर्च का पाउडर डाल देना है चुटकी भर, और ये हरी मिर्च का पाउडर जिसे हमने घर में ही बनाया था, जिसका वीडियो हमने पिछली बार आपको बताया था, इसका एक अपना ही फ्लेवर आएगा इसमें, स्पाइसी। हरी चटनी नहीं होगी तो आप इस तरह से हरी मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक चुटकी भर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसे आप थोड़ा सा डीप कर दीजिए। इसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी डालनी है, रेड चटनी डालनी है सॉरी। देखिए खजूर इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ही दी हुई है, ये मीठी चटनी इस तरह से डाल देनी है हमने। हल्का सा दही डाल देना है बड़ों पर, और इसी के साथ हमने इसके ऊपर बारीक सेव डाल देना है। ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए, जीरा बटर के इंस्टेंट दही बड़े हमारे रेडी है खाने के लिए। तो देखिए आप इस तरह से घर में बनाइए और बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अगली एक और रेसिपी में आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।